हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर। एग्जांपल इज गिवन, द नंबर्स ऑफ पेजेस ऑफ वन बुक निनाद रेड फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज वर 60, 50, 54, 46, 50। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रेड एवरी डे। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, निनाद ने एक बुक पढ़ते वक्त हर दिन कितने पेजेस पढ़े, कॉन्सिक्यूटिव डेज मीन्स कंटिन्यूअस डेज, ओके, विदाउट गिविंग एनी गैप हर दिन। तो पहले दिन ही उसने 60 पेजेस पढ़े, दूसरे दिन 50 पेजेस, तीसरे दिन 54, चौथे दिन 46 पेजेस, पांचवें दिन 50 पेजेस। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस। तो उसने ऑन एन एवरेज, तो एवरेज कितने पेजेस पढ़े हैं, दैट वी हैव टू, एंड दिस सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी हैव यू हैव लर्न इन लोअर क्लासेस। ओके, इट इज कॉल्ड टू फाइंडिंग एवरेज। तो एवरेज में क्या करते हैं, फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स, यानी जो ये पूरा स्कोर दिया है इसकी सम यानी एडिशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी कितने स्कोर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 स्कोर्स आर देयर, मीन डिवाइडेड बाय 5, राइट। हाउ इट विल कम मीन्स नाउ व्हाट स्कोर्स आर गिवन, 60, 50, ये सबकी एडिशन, 60 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 46 प्लस 50 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, हाउ मेनी स्कोर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, सो डिवाइडेड बाय 5 एंड व्हाट इज द सम ऑफ दिस स्कोर्स, 60 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 46 प्लस 50, व्हाट इज इट, 60 प्लस 50 110, ये दोनों की कितनी होती है, 100, मीन्स इट बिकम्स 210 प्लस 50 मीन्स इट इज 260 डिवाइडेड बाय 5 एंड वे इफ यू परफॉर्म दिस डिविजन आंसर विल गेट 52, राइट। ओके, सो देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रेड डेली इज 52। ओके, इफ यू सी द स्कोर, एक दिन उसने 60 पेजेस पढ़े, एक दिन 50 पेजेस पढ़े, एक दिन 54 है, एक दिन 46 है, एक दिन 50, लेकिन उसका एवरेज क्या मिला है, 52। ओके, सो द एवरेज इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मीन और मीन। एवरेज को क्या बोलते हैं, या तो एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, नहीं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन, इट इज एक्सप्लेन लास्ट ईयर, राइट। सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओनली आवर नेक्स्ट फर्दर पॉइंट इज देयर, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट, फॉर दैट लेट अस लर्न एक्टिविटीज गिवन। द नंबर ऑफ पेजेस रेड एवरी डे इन द अबो एग्जाम्पल इज न्यूमरिकल डाटा, ये कौन से टाइप का डाटा है, न्यूमरिकल यानी नंबर फॉर्म में जो दिया होता है डाटा, उसको बोलते हैं न्यूमरिकल डाटा। द कंक्लूजन दैट निनाद रेड अबाउट 50 पेजेस एवरी डे इज ड्रॉन फ्रॉम द न्यूमरिकल डाटा। ओके, सो इन मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस मीन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज, ओके, ऑफ द न्यू गिवन न्यूमरिकल डाटा। इन दिस वे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टन प्रॉब्लम और सिचुएशन, एनालाइजिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक। ओके, हियर इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, कौन सी भी एक घटना है, नहीं तो कौन सी एक एक्टिविटी है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ओके, कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरिकल डाटा। न्यूमरिकल डाटा में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो, ओके, एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, यानी ड्रॉइंग कंक्लूजन, ओके, अबाउट इट। दिस टाइप ऑफ ब्रांच इज अ स्पेशल ब्रांच इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इस पर स्पेशल ब्रांच है, उसी ब्रांच को नाम क्या दिया है, स्टैटिस्टिक्स। When you will go for higher studies, okay, now just you are in 8th standard, but when you will go for higher studies, after 12th, statistics is a separate subject, okay, graduation में, post graduation में separate subject है, यहाँ पर तो आप लोगों को separate lesson दिया है, okay,
हायर एजुकेशन में ये सेपरेट सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक, ओके। और उस ये पूरा जो चलता है अपना शेयर मार्केट हो, नहीं तो बहुत सारे इवन अपने कौन से भी देश की कोई इंफॉर्मेशन हो, दैट टोटल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन द न्यूमेरिकल डाटा एंड देन उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं एंड देन सम डिसीजंस आर टेकन, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द पीपल, दोज हु आर मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स, ओके। लेट अस मूव एड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन किसे बोलते हैं? वी हैव सीन दैट द एवरेज ऑफ 60, 50, 54, 46 and 50 is 52. The average is called the arithmetic mean or simply mean. This already we have done in statistical language. To find the mean of numerical data, we add all the scores in the data and divide the sum by total number of scores. Let us study some aspects of the method. See the following example. Okay. ये तो हमने देखा है अरिथमेटिक मीन, मीन किसे बोलते हैं, ओके ओके। जब कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, ओके, जब वो कलेक्ट किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है, उसका डिवीजन किया जाता है बाय द सम ऑफ द स्कोर, ओके, बाय दिस वी फाइंड आउट द मीन, ओके। उससे का रिलेटेड और एक एग्जांपल दिया है, ओके। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू सी द नेक्स्ट शॉर्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज गिवन द मार्क्स ऑब्टेन बाय 37 स्टूडेंट्स of standard 8th in a test of 10 marks are given below. Find the mean of the data. Okay? Marks. कितने students है? Total 37 students are there of 8th standard. उनकी एक test conduct की गई 10 marks की test. Okay? तो बच्चों को कितने mark मिले हैं? ये 37 students का data दिया है. Is it correct? All these are the marks scored by the 37 students. Okay? तो पहले स्टूडेंट को मिले 2 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट को मिले 4, देन 4, 8, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, ओके, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस कैसे करना है? देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन। इफ वी गो ऑन एडिंग द स्कोर्स वन आफ्टर द अदर, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर ये इतना सारा स्कोर है, ओके, इन दिस एग्जांपल ओनली 37 आर गिवन, ओके, बट जस्ट इमेजिन इफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द पीपल ऑफ एनी स्टेट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री, देन हाउ मच बिग स्कोर इट विल बी, ओके। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है टोटल एडिशन करना वगैरह, ओके, तो इतना। देन दिस सिंप्लीफाइज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो ये जो एडिशन का अगर, तो उसके लिए शॉर्टकट जो दिया है 7 टाइम, ऐसे ये कितना टाइम है? 5 टाइम्स, ओके। तो 5 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये सिंपल ऑपरेशन। दिस वी हैव लर्न इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही वही है। दिस सिंप्लीफाइज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन व्हेन अ नंबर इज टू बी एडेड टू इटसेल्फ। सो लेट अस यूज द मेथड एंड एड द नंबर्स बाय क्लासिफाइंग देम, ओके। नाउ इन द मेथड ऑफ मीन, ओके, जो एवरेज हमने जो फाइंड आउट किया है, वी फाउंड आउट द मीन, उसमें क्या किया था हमने? एडिशन, ओके। बट नाउ इंस्टेड ऑफ एडिशन कैन वी यूज द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके, यस इट इज पॉसिबल, देन इन द सेम मेथड इज यूज्ड हियर, ओके। क्या किया है? फॉर दैट पर्पस अ टेबल इज प्रिपेयर्ड, ओके, हियर मार्क्स आर रिटन, व्हाट इज इट? स्कोर, ओके, हियर स्कोर्स आर रिटन, मीन्स टोटल हाउ मेनी मार्क्स टेस्ट? इट वॉज 10 मार्क्स टेस्ट, ओके, टोटल 10 मार्क्स टेस्ट। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? 2। सबसे कम मार्क कितने मिले हैं? 2। इफ यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक, देन यू कैन ओपन द टेक्स्ट बुक एंड यू सी द एग्जाम्पल। सेकेंड कॉलम इज गिवन ऑफ द टैली मार्क्स। व्हाट आर दीज टैली मार्क्स दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी, ऑल दीज मीनिंग्स आई विल एक्सप्लेन, ओके। And then in the last column, what is given? The product of frequency and score. Okay, अब एक एक column में explain करता हूं। ये marks, okay, which is denoted by XI, okay, ये क्या है? Score. Score यानी क्या किया गया है? Test conduct की गई, okay, test में सबसे कम mark कितने हैं? 2।
ओके सबसे ज्यादा मार्क कितने हैं 10, तो ये कहां तक जाएगा, ये लिखते लिखते 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके। व्हाट आर दिस टैली मार्क्स, टैली मार्क्स का मतलब क्या है, कैन द स्कोर टू, ये कितने बच्चों को मिला है, एक बच्चे को मिला है इसलिए ओनली वन लाइन इज गिवन। स्कोर थ्री कितने बच्चों को मिला है, एक बच्चे को मिला है। स्कोर फोर यानी चार मार्क कितने बच्चों को मिले हैं, देखो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन लाइन इज गिवन ओके, इट मेक्स वन बंडल, ये काउंटिंग में सिंपल होता है ओके। सो फाइव लो द स्कोर इज 5 टोटल। देन पांच मार्क कितने बच्चों को मिले हैं, दो बच्चों को, यहां पर दो लाइन दी है एंड द सेम नंबर इज रिटन हियर ओके। ये सिक्स मार्क कितने बच्चों को मिले हैं, 5, देखो 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। सेवन मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 1, 2, 3, 4 दिस 5 प्लस 1, 6 ओके, इन दिस वे दैट इज कॉल्ड द टैली मार्क्स। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टैली मार्क कितने, ये टैली मार्क्स कितने हैं ये काउंट करके यहां पर लिखना है ओके। ये टैली मार्क्स किस लिए, वो जब हम लोग स्कोर लेते हैं वहां से तो उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए टैली मार्क्स की मेथड शुरू की है ओके। सो कौन सा भी स्कोर बचना नहीं चाहिए ओके, गलती नहीं होनी चाहिए ओके। सेम नंबर्स आर रिपीटेड हियर एंड देन द इन द लास्ट कॉलम प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी यानी ये कितनी बार आया है ये स्कोर, और देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई यानी ये मार्क्स, यानी ये स्कोर, ये स्कोर का और फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर आता राइट, दैट इज फोर्थ कॉलम एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई ओके, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्कोर। अब देखो 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 30 ओके। ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट ये स्कोर चाहिए ओके, दिस स्कोर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर फर्दर कैलकुलेशन राइट। ऐसा कहां तक किया गया है, 10 तक ओके। अब ये थर्ड कॉलम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, ये हमने यहां पर कैलकुलेट किया है ओके। उसके लास्ट में और एक रो ऐड करके वहां पर लिखा है एन इज इक्वल टू 37। एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है ओके, उसकी एडिशन करके नीचे लिखना है एन इज इक्वल टू 37 मीन्स एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओके। तो वो टोटल मिल गई 37 ओके, इसकी एडिशन करो 1 + 1 = 2 + 5 = 7 + 9 = 14 = 20 = 25 = 33 + 4 = 37 ओके। देन आफ्टर दैट इन द फोर्थ कॉलम यार वेयर वी हैव टेकन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर ओके, उसके कुछ नंबर्स मिले हमें ओके ये सारे जो नंबर्स मिले उसकी एडिशन करनी है, वो एडिशन मिल गई 259 ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर ओके। उसके पहले साइन दिया है सिग्मा का, दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा, व्हाट इज इट, सिग्मा ओके। अगर आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल में ये यूज किया जाता है, आप लोगों को आईटी टीचर ने सिखाया होगा ओके। दिस साइन इज ऑफ सिग्मा, एडिशन के लिए यूज किया जाता है वो ओके। देन आफ्टर दैट फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ओके, हियर ऑल्सो वी आर फाइंडिंग मीन बट बाय विच मेथड, नॉट बाय एडिशन मेथड, बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड ओके। जो हमने एवरेज, नहीं तो उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, नहीं तो मीन बोलते हैं ओके वो जो मेथड, उस मेथड में हमने एडिशन ऑपरेशन यूज किया था, इस मेथड में हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ओके। तो मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई, सिग्मा यानी सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसीज ओके। तो ये ई सॉरी सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से 259, एन की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से 37, देन 259 डिवाइडेड बाय 37 आंसर वी गेट 7 ओके। इसका मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, द मीन ऑफ
the score of the students scored by 8 standard students in the test is 7. यानी उनको एक सिंपल भाषा में उनको एवरेज, उस क्लास का एवरेज कितना मिला है? 7. ओके, उसी को ही क्या बोलते हैं? मीन. ओके, देन बिलो द टेबल द सेम व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ ऑल दोस स्टेप्स आर गिवन हियर. यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक, गो थ्रू इट. ओके, निगलेक्ट करना नहीं इसको, गो थ्रू इट. ओके, अगर कुछ आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहां से समझ में आएगा. ओके, ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. राइट, लेट अस मूव अहेड. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक और एक शॉर्ट एग्जांपल दिया है. नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल. ये तो आप लोग भी समझ सकते हो. ये यहां पर सिर्फ क्या है, डेसिमल, डेसिमल में दिया है तो डेसिमल का आप लोग कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नाउ यू आर क्वाइट मैच्योर्ड, आप लोग समझ सकते हो. ओके, ये आपको आंसर समझ में आ जाएगा. देन डायरेक्टली आई विल मूव टू प्रैक्टिस सेप्टेम्बर 11.1. ओके, ये टेक्स्ट बुक में यहां पर ही सॉल्व करने लायक एग्जाम्पल है. अंडरस्टैंड इट. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स. इस टेबल में इंफॉर्मेशन दी है कि 30 बच्चों ने कुछ प्लांटेशन किया था, कुछ सैपलिंग्स लगाए. ओके, उसकी इंफॉर्मेशन है. फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट. तो इसमें हमें एवरेज निकालना है. ओके, लेकिन कौन से मेथड से? मल्टीप्लीकेशन मेथड से. एवरेज निकालना है मतलब मीन निकालना है. ओके, सो नंबर ऑफ सैपलिंग्स. ओके, तो एक सैपलिंग कितने बच्चों ने लगाई? 4 बच्चों ने. दो सैपलिंग्स कितने बच्चों ने लगाई? 6 स्टूडेंट्स. 3 सैपलिंग्स कितने बच्चों ने लगाई? 12 स्टूडेंट्स. 4 सैपलिंग्स कितने बच्चों ने लगाई? 8 स्टूडेंट्स. ओके, अब यहां पर स्कोर थोड़ा, इसलिए उन्होंने टैली मार्क्स यूज नहीं किए. ओके, अगर स्कोर थोड़ा है तो टैली मार्क यूज नहीं किए तो भी चलता है. अगर स्कोर ज्यादा है देन यू हैव टू यूज द टैली मार्क्स. ओके, नाउ आउट ऑफ 4 कॉलम्स दे 1 कॉलम ऑलरेडी दे हैव डिलीटेड ड्यू टू लेस स्कोर. ओके, तो 3rd कॉलम में हमें क्या लिखना है? द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर्स. ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 6 टू जा 12, देन 12 3 जा 36. ये 4th बॉक्स में क्या आएगा? 8 4 जा 32. राइट, ओके, अब हमें आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यू ऑफ एन एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई. ओके, हम लोगों को ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी? एन मींस टोटल फ्रीक्वेंसी, हमें टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली. 4 प्लस 6 10, प्लस 12 22, प्लस 8 30. सो एन इज इक्वल टू 30. देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर, उसकी एडिशन कितनी आती है? 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 36 52, 52 प्लस 32 54, प्लस 30 84. इज इट करेक्ट? सॉरी, एटी फोर करेक्ट. ओके, एक बार कंफर्म करना चाहिए, मैथ्स में तो ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है. ओके, ओवर कॉन्फिडेंट कभी रहना नहीं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट मीन. मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करके जो मीन निकाला जाता है उसको क्या साइन दिया है उन्होंने? एक्स बार. सो देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई. ओके, व्हाट इज द वैल्यू? डायरेक्टली वी विल राइट वैल्यू, और वी कैन राइट हियर सिग्मा एफ आई एक्स आई. ओके, अपॉन एन. सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू? 84 अपॉन 30. ओके, सो इसको करो, इसका रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे.
डायरेक्ट डिवीजन किया तो भी चलेगा ओके तो डायरेक्ट डिवीजन करके अगर निकाला तो आंसर यू विल गेट 2.8 ओके सो देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8 ये एवरेज है ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे ने 2.8 का प्लांटेशन किया है दिस इज कॉल्ड द एवरेज ओके और द मीन एक्स बार गॉट इट मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू लेट अस रीड द एग्जाम्पल द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ओके 25 फैमिलीज का इलेक्ट्रिसिटी क्या बिल नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन दिया है यूनिट्स में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए ओके ऑफ एकलहरा विलेज इन द मंथ ऑफ मे कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस ओके इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स तो कित यूनिट्स में कितने 30 यूनिट्स यूज किए 45 यूनिट्स यूज किए ओके तो 60 यूनिट्स यूज किए 75 यूनिट्स यूज किए 90 यूनिट्स यूज किए 30 यूनिट्स कितने फैमिलीज ने यूज किया 7 फैमिलीज 45 यूनिट्स कितने फैमिलीज ने यूज किए तो 2 फैमिलीज ओके दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन हियर ओके तो कितने यूनिट्स कितने यूनिट्स यूज किए कितने फैमिली ने यूज किए ओके एंड देन टैली मार्क्स तो उन्होंने कैंसिल कर दिया स्कोर छोटा है ओके तो प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा हमें थर्ड कॉलम में 30 × 7 210 45 × 2 इट इज 90 60 × 8 480 ओके 75 × 5 375 ओके 93 × 270 राइट ओके देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई एन ए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी इसकी टोटल कितनी आती है ठीक तरह से करो यू विल गेट द वैल्यू 25 ओके एंड एड दिस स्कोर्स ओके इसकी सम चाहिए ना यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा एडिशन किसकी एडिशन ये सारे प्रोडक्ट की एडिशन ओके सो आंसर यू विल गेट 1425 ओके इसके एडिशन चेक करके देखो 1425 राइट ओके देन फ्रॉम दिस सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस ओके इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कितने फैमिलीज ने यूज की है देन आंसर इज 2 फैमिलीज हाउ मेनी 2 फैमिलीज सेकेंड क्वेश्चन इज आज स्टेट द स्कोर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5 ओके कौन से स्कोर की फ्रीक्वेंसी 5 है आंसर इज 75 स्कोर 75 देन फाइंड एन एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर तो हमने तो फाइंड आउट किया है यहां पर ओके ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहां पर है देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओके तो मीन इज इक्वल टू हियर आई विल सॉल्व इट हियर ओनली मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला वे हैव टू राइट सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन ओके इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी 25 एंड ये डिवीजन करो आपको आंसर मिलेगा 57 What is the answer? 57. So what is the answer of this? Find the mean. So the mean is 57. Right? Okay. So moving ahead to example number 3. Abhi example number 3 and 4 notebook mein explain karna padega. Okay. Karenge.
The number of members in the 40 families in Bihar are as follows. Okay, बिहार में 40 families में कितने members कितने कितने हैं वो दिया है. तो पहले फैमिली में एक मेंबर है, दूसरे में सिक्स है, फाइव, ओके, ऐसा दे, ये पूरा स्कोर दिया है. अब इसके लिए तो हमें टैली मार्क तैयार करने पड़ेंगे. ओके, टोटल कितनी फैमिलीज है? 40 फैमिलीज है. ओके, टेबल बनाने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है, मिनिमम स्कोर कितना है? यहां पर जीरो है क्या? नहीं. तो मिनिमम कितना है? वन. ओके, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं? मैक्सिमम कितने हैं? यहां पर याद पर सिक्स, सेवन, सेवन से बड़ा है क्या कोई? सेवन, सेवन, तो मैक्सिमम सेवन. यानी हम लोगों को वन से सेवन तक बनाना पड़ेगा. ओके, चलो लेट अस प्रिपेयर नाउ. सी, हियर द टेबल इज प्रिपेयर्ड. इन फर्स्ट कॉलम आई हैव टेकन नंबर ऑफ मेंबर्स, देन टैली मार्क्स, देन नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर. ओके, फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम कितने हैं? वन. वन से शुरू होता है. मैक्सिमम कितने हमने काउंट किए थे? दैट इज सेवन. ओके, ये एक रो ज्यादा किस लिए रखी है? फॉर राइटिंग द वैल्यू ऑफ एन एंड सिग्मा. ओके, तो जितना स्कोर है उससे एक ज्यादा लेनी है. देन टैली मार्क्स. देन वन मेंबर इज देयर इन हाउ मेनी फैमिलीज? टू फैमिलीज आर देयर. ओके, यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक, काउंट करो. ओके, टू फैमिलीज आर देयर. देन ऐसे कितनी फैमिलीज है? उसमें दो लोग हैं. ओके, आई हैव काउंटेड, इट इज एट. ओके, ये टू भी लिख देता हूं, एट. तो ये एट टेलीमार्क्स कैसे मैंने काउंट किए थे? वन, टू, थ्री, फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट. ओके, एंड द सेम नंबर आई राइट. ओके, तो लेना कैसे स्कोर? तो समझो फाइव है, पहला फाइव है, तो फाइव के सामने एक लिखो. सेवन है, सेवन के सामने लिखो. ओके, पांच का जब पूरा होता है तो ऐसा एक बंडल तैयार करो, फिर उसके बाद. ओके, इन दिस वे द टैली मार्क्स आर गिवन. नाउ आई कैनॉट शो यू द दिस नोटबुक ऑल्सो, स्कोर ऑल्सो एट अ टाइम. ओके, तो और एल्स इन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू डू इट. ओके, थोड़ी सी होगी परेशानी, लेकिन करता हूं. देन हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन विच थ्री मेंबर्स आर देयर? आई हैव काउंटेड, इट इज सेवन. सो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सेवन. ओके, सो सेवन. चार मेंबर कितने फैमिलीज में है? तो वंस अगेन मैंने काउंट किया है, वो एट फैमिलीज. ओके, फाइव मेंबर्स कितने फैमिलीज में है? आई हैव काउंटेड इट, सेवन. सिक्स मेंबर कितने फैमिली में है? सिक्स फैमिलीज में. ओके, सात लोग कितने फैमिली में है? ओनली टू फैमिलीज आर देयर, राइट. ओके, इसकी एडिशन कितनी आती है? टू प्लस एट प्लस सेवन प्लस एट प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस टू, एंड टोटल इज फोर्टी. ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर, टू मल्टीप्लाइड बाय वन, आंसर इज यू विल गेट टू. देन यहां पर क्या आंसर आएगा? एट टू जा सिक्सटीन, देन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, एट फोर जा थर्टी टू, ओके, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, देन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, ओके, टू सेवन जा फोर्टीन. ओके, वाई आई रिटर्न ईयर जीरो टू, यानी एडिशन में वो गलत नहीं होता कुछ. ओके, यहां पर वैल्यू आएगी सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू. ओके, व्हेन यू डू द टोटल ऑफ दिस यू विल गेट आंसर 156, राइट. ओके, नाउ दिस टेबल आवर दिस टेबल इज रेडी. ओके, इस टेबल से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? ओनली एन एंड सिग्मा, राइट. फ्रॉम दिस ओनली वी कैन फाइंड आउट द मीन. इससे हमें
मीन निकालना है. मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई 156 डिवाइडेड बाय 40. ओके आंसर डेसिमल में मिलता है इसका आंसर यू विल गेट 3.9. ओके सो व्हाट इज द आंसर. आंसर इज द मीन ऑफ मेंबर्स पर फैमिली. इज 3.9. ओके सिंपल भाषा में हर एक फैमिली में एवरेज कितने लोग हैं 3.9 है ना. ओके सो इन दिस वे द इंटरप्रिटेशन इज डन. ओके ऐसे कंक्लूजन निकाला जाता है. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 इयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज. ओके एक स्कूल का नाम दिया है उन्होंने मैथ्स और साइंस के प्रोजेक्ट्स कुछ सबमिट किए हैं तो उसके नंबर दिए. ओके तो पहले ऑफ 20 इयर्स. ओके तो पहले साल में कितने दिए 2 दूसरे साल में 3 देन 4 1 2 3 1 5. ओके लाइक दिस टोटल द 20 फिगर्स आर गिवन. तो क्वेश्चन क्या पूछा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. ओके ओके हियर माय टेबल इज रेडी. इन द फर्स्ट कॉलम आई हैव टेकन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इज स्कोर. ओके तो उन्होंने मिनिमम कितने स्कोर जमा किए हैं 1 मैक्सिमम कितने किए हैं 5. इफ यू ऑब्जर्व इट इन द एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक तो आप लोगों को मिलेगा कम से कम 1 प्रोजेक्ट दिया है ज्यादा से ज्यादा 5. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टेकन 1 to 5. ओके अब देखो एक वन प्रोजेक्ट ऐसे कितनी बार किया है जमा. इफ यू आर नाउ यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक कितनी बार काउंट करो 1 2 3 3 बार है. ओके तो 1 2 3 और सेम नंबर राइट इट हियर राइट. अब ये दो प्रोजेक्ट एक ही साल में 2 प्रोजेक्ट कितनी बार जमा किए हैं काउंट इट इन द टेक्स्ट 2 3 4 5 6 हाउ मेनी 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. व्हाई आई एम राइटिंग डबल डबल डिजिट व्हाई आई एम एडिंग 0 टू अवॉइड द मिस्टेक्स इन एडिशन. ओके तो 3 प्रोजेक्ट कितनी बार जमा किए तो मैंने मेजर किए 6. चार प्रोजेक्ट कितनी बार दिए उन्होंने 3 बार दिए. 5 प्रोजेक्ट कितनी बार दिए 2 बार दिए. ओके देन एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसका एडिशन कितना आता है 20. ओके नाउ वी वांट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर. फ्रीक्वेंसी यानी ये फ्रीक्वेंसी और ये स्कोर. ओके सो 3 1 3 6 2 12 6 3 18 3 4 12 2 5 10. ओके अब इसका अगर एडिशन करते हो तो आंसर मिलता है हमें 55. व्हाट इज द एडिशन 55. ओके इन क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल इज रेडी. ओके और एक क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. ओके तो उसका मीन निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीन. मीन मींस व्हाट. मीन मींस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा यानी सम. किसकी सम एफ आई एक्स आई
यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर की सम डिवाइडेड बाय एन राइट इज इक्वल टू व्हाट आंसर वी गॉट व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर इट इज 55 ओके डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20 सो 55 डिवाइडेड बाय 20 आंसर यू विल गेट 2.75 सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर इज द मीन ऑफ द डेटा इज 2.75 राइट नाउ हियर आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 गेट्स ओवर ओके I will come with the new video with the new point that is subdivided bar graph / diagram.